हेलो एवरीवन, नीट एमशेस पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा मन मीठा खाने का है, इसलिए हम एकदम डिलीशियस और जल्दी से बनने वाला हलवा बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए ना तो हमें दालों को भिगोना होता है और ना ही किसी भी तरह की तैयारियां पहले से करनी होती है। ये हलवा हम अचानक से, जल्दी से, कभी भी, किसी भी टाइम पर बना सकते हैं और मुँह में घुल जाने वाला हलवा बन करके तैयार हो जाता है। एकदम ही मखमली वेलवेटी इसका टेक्स्चर होता है, जो कि सभी को ये हलवा बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए हम इसे बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये हलवा हम देसी घी में बनाएंगे, क्योंकि घी में बने हलवे का स्वाद ही कुछ और होता है। तो कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी को गरम करेंगे। यहाँ पर जो घी मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, वो घर पर मलाई से बना हुआ देसी घी होता है, जो कि एकदम प्योर होता है। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम थोड़े से काजू डालेंगे और इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो काजू को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए ध्यान से इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही काजू पर अच्छा सा कलर आ जाए, इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और साइड में रख देते हैं इन फ्राइड काजू को। अब घी में हम डालेंगे 1.5 कप बेसन। यहाँ हलवे बनाने के लिए अगर हम दरदरा पिसा हुआ बेसन का इस्तेमाल करें तो हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। अब बेसन को हमें स्लो आंच पर भूनना है, तो फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और लगातार चलाते हुए हम बेसन को भून लेंगे। तो जो बेसन का हलवा बनता है वो बहुत ही आसान रहता है बनाने में, क्योंकि इसके लिए दालों को ना तो ज़्यादा भिगोना होता है, ना ही कोई और झंझट होती है। आसान रहता है बहुत ही इस हलवे को बनाना, और इसका स्वाद भी बिल्कुल जैसे मूंग की दाल का हलवा होता है या कोई भी दालों का हलवा होता है उसके जैसे ही आता है, क्योंकि ये बेसिकली चने की दाल का आटा ही है। तो अभी आप देख रहे हो कि इसने सारा घी अब्सॉर्ब कर लिया है और एकदम सूखा सूखा हो गया है ये। तो इसे हमें थोड़ी देर तक भूनते रहना है, जिससे कि इसमें घी रिलीज होने लगेगा। तो ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने बेसन को घी में भूना है, और अब आप देख सकते हो कि पहले से इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, क्योंकि इसमें से घी रिलीज होने लगा है। तो अब हमें इसे और अच्छे से भूनना है और इसमें से घी रिलीज होना चाहिए। अब इस टाइम पर हम इसमें 1 चम्मच देसी घी और मिला लेंगे, क्योंकि हलवे में जब तक थोड़ा सा घी ना दिखे तब तक हलवे का मज़ा ही नहीं आता है। लेकिन अभी इस टाइम पर इसमें घी मिलाना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप इसे कम घी में बनाना चाहते हो तो इस टाइम पर घी मिलाना आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जैसे कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि हलवाइयों के हाथों का बना जो हलवा होता है उसमें घी काफ़ी मात्रा में रहता है और बहुत ही अच्छे से उसमें घी होता है, तभी हलवे का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है, डिलीशियस होता है और हलवा थोड़ा सा स्पेशल भी होता है। और इसी तरह से अगर हम भी हलवे में थोड़ा सा घी मिला लें तो हलवाइयों की तरह तो हम घर पर ही हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इस बेसन को भूनना काफ़ी आसान रहेगा, तो इसे हमें लगातार चलाते हुए धीमे आंच पर भूनते रहना है, तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, अब बेसन की भूनने की बहुत ही अच्छी सी महक आने लगी है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा चेंज और होना है, तभी जो हलवा बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्योंकि जब तक हम बेसन को अच्छी तरह से नहीं भून लेते, तब तक हलवा हो, लड्डू हो या फिर बेसन की बर्फी हो, उसका टेस्ट थोड़ा सा कम आता है, इसलिए हम इसे 1 या 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो ये देखिए, अब हमने बेसन को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें धीरे से थोड़ा थोड़ा करके 1 कप दूध मिलाएंगे। तो पहले थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और फिर इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और फिर और दूध मिलाएंगे। यहाँ पर मैं इस हलवे में दूध और पानी दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो सिर्फ दूध का या सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके भी इस हलवे को बना सकते हो। तो ये मैंने इसमें 1 कप दूध पूरा मिला लिया है। तो इसे हम पहले अच्छे से हलवे में मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1.5 या 2 कप पानी मिलाएंगे। तो यहाँ पर जिस कप से हमने बेसन लिया है उसी कप से नाप के हमें दूध और पानी का इस्तेमाल करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि एक साथ हमें सारा दूध या पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसे। जैसे ही हमारा हलवा दूध और पानी अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले, इसमें हम 1/2 कप चीनी मिलाएंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हलवे में चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर कि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है। और अच्छे से हलवे में हम चीनी को मिला देंगे। ये देखिए, हमारे हलवे का टेक्सचर एकदम ही मखमली और एकदम ही वेलवेटी है, और आप सोचिए कि जब ये हलवा मुँह में रखेंगे हम तो किस तरह से ये घुल जाएगा। तो चीनी भी अच्छे से हलवे में मिक्स हो गई है,
अब इसमें हम मिला रहे हैं ये 2 से 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, जिससे कि हलवे का टेस्ट बढ़ेगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा ये। साथ ही कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स इसमें मिलाए हैं क्रश किए हुए, और ये हमने जो काजू पहले फ्राई किए थे वो डाल देंगे इसमें। साथ ही में थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिला लेंगे, जिससे कि हलवे में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब इस हलवे का स्वाद और बढ़ाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा केसर वाला पानी, जिससे कि हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसमें केसर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमें इस हलवे को 2 से 3 मिनट तक के लिए और पकाना है। ये देखिए, अब हमारा बेसन का डिलीशियस हलवा बनकर के बिल्कुल तैयार है। इस पर बहुत ही अच्छे से शाइन आ गई है, और क्योंकि हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लिया है तो इसमें से फिर से घी थोड़ा थोड़ा रिलीज होने लगा है। अब बस हमारा ये मखमली सॉफ्ट बेसन का हलवा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे जल्दी से सर्व कर लेंगे। इस तरह से बिना किसी झंझट के हमारा ये बहुत ही स्वादिष्ट बेसन का हलवा फटाफट से बनकर तैयार है खाने के लिए, जिसे आप भी एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, सबको ये हलवा बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल ETM Wishes को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस डिलीशियस बेसन का हलवा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ETM Wishes।